इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक आज चल रही है उत्तराखंड चुनाव को लेकर। बैठक में होगी चर्चा प्रत्याशियों के नामों पर, बैठक में मुहर लगेगी। तो आज शाम सीईसी की बैठक होगी, बैठक बेहद ही अहम कह सकते हैं। उत्तराखंड चुनाव को लेकर यह बैठक दिल्ली में होगी, प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगेगी। बैठक दिल्ली में आज चलेगी, आज शाम सीईसी की यह बैठक होगी। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं, कांग्रेस चुनाव समिति की अहम बैठक होनी है। उत्तराखंड चुनाव और प्रत्याशियों को लेकर यह बैठक होगी और प्रत्याशियों के नाम पर मुहर भी लगेगी। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, कांग्रेस की अहम बैठक होनी है दिल्ली में उत्तराखंड चुनाव को लेकर। उत्तराखंड में प्रत्याशियों को लेकर यह बैठक होगी और प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगेगी। स्ट्रेटेजी बनाएगी कि किस तरीके के प्रत्याशियों को मैदान पर उतारना है, क्या कुछ रहेगा इस बैठक में, यह बेहद ही खास होगा क्योंकि दिल्ली में यह बैठक होनी है। स्पर्श शर्मा हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए हैं, जानकारी देंगे। स्पर्श, आज बेहद ही अहम बैठक कह सकते हैं उत्तराखंड चुनाव को लेकर दिल्ली में होनी है कांग्रेस की। देखिए बिल्कुल, कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज ये बैठक होने वाली है। दो दिन कांग्रेस ने जो है उत्तराखंड को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की थी और ज्यादातर नाम जो है उत्तराखंड के लिए फाइनलाइज जो है कर लिए गए हैं। ऐसे में आज केंद्रीय आलाकमान की जो अंतिम मोहर है वो कहीं ना कहीं जो है उत्तराखंड कांग्रेस में चुनाव में जो उम्मीदवार उतरने वाले हैं उनको लेकर लगती हुई नजर आएगी। हालांकि ये बैठक जो है वो वर्चुअली तौर पर होती हुई नजर आएगी और शाम अगर बात करें तो 4-5 बजे के आसपास ये बैठक जो है शुरू होती नजर आएगी। इसमें तमाम जो सीईसी के सदस्य हैं वो मौजूद रहने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस जो है लगातार उत्तराखंड के संदर्भ में कई जो रणनीति है वो अपनी तरफ से बना रही है और आज उम्मीदवारों की बात करें तो आज जो है पूरी तरीके से माना जा रहा है कि उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो फाइनलाइज कर ली जाएगी सीईसी द्वारा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श, हम जानकारी साझा करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे कि आज इस बैठक में क्या कुछ निकलने वाला है। लेकिन उत्तराखंड चुनाव के लिए बैठक बेहद ही अहम कह सकते हैं, प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगेगी। आज शाम तक हो सकता है प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो जाए या तो फिर फाइनल तो जरूर हो जाएंगे।